अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम एक औरतनुमा पेंड यक्की की बात कर रहे हैं। ये वो खातून है जो हर वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बूता और बूटी लेकर हाजिर होती है। उनके लाइफ सुहागरात वगैरह के बारे में तो आपने बहुत बातें सुनी होंगी, तो आज हम उनकी कुछ अनसुनी और अंधे की कहानियाँ खुद भी सुनेंगे, आपको भी सुनाएंगे, खुद भी देखेंगे, आपको भी दिखाएंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट बिना किसी देरी के। जल्दी करना, मेरा ओपनिंग है। किस चीज का ओपनिंग मैडम, जरा हमें भी दिखाइए। अच्छा, तो ये बात है। मैं MTVBCL जो है सीजन 4 समथिंग मोर, मैं इसमें आई हूँ अपने करण और अर्जुन को लेकर। पुरानी राखी नहीं, मैं लेटेस्ट राखी। हाँ, पुरानी राखी और इस नई राखी में सिर्फ इस समथिंग मोर का फर्क है। जिस तरह से समथिंग मोर कह रही है, इससे इसके इरादों का अंदाजा हो जाता है। और मेरे करण अर्जुन जो है वो मेरा बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। तुम ऐसा काम करो कि इस करण और अर्जुन को रख अपनी जेब में, पर जेब में नहीं कहीं और, इफ यू नो व्हाट आई मीन टू से। क्योंकि जिस गुब्बारों की तरफ तुम्हारा इशारा है, हमें पता है कि गुब्बारे फुलाए गए किस तरह है। फैन फॉलोइंग्स तो मेरी बहुत है हिंदुस्तान में, यू नो दे हेट और लव बट दे कांट इग्नोर मी बिकॉज हिंदुस्तान की एक ही राखी। फैन फॉलोइंग का तो पता नहीं, पर कुछ हवासीर के मरीज ही होंगे जो तुम्हें रिजिस्ट ना कर पाते होंगे। लेकिन ये राखी सावंत करुण अर्जुन को साथ में लेकर ही आती है, समझ गए। मेरे करुण अर्जुन मेरे साथ फिक्स हो चुके हैं। और नहीं, किस चीज से फिक्स करवाए है? सीमेंट से, फेविकॉल से, अंबुजा सीमेंट से ही किए होंगे। टूटेगी कैसे? अंबुजा सीमेंट से जो बनी है, अंबुजा सीमेंट। MTVBCL में तो मैं धमाका कर रही हूँ, तड़का मचा रही हूँ, मतलब के पूरे शो पे फोर्थ एम्पायर हूँ। फोर्थ एम्पायर तो भाई लोग, जिस चीज का अभी तक आपने नाम नहीं सुना होगा, लाकी जी ऑलरेडी वो कर चुकी है। यही तो फायदा होता है करण अर्जुन को अपने साथ घुमाने का। एम्पायर है ये, एम्पायर की पप्पी ले लेती हूँ मैं उसको, मैं सांप की तरह उसको लपेट जाती हूँ, उसको मैं बहुत एम्पायर को बहुत सताती हूँ। और सभी खैर, ये शौक तो आपके हमें पहले से मालूम थे, पर सांप बनकर लपेटना और फिर सांप को अंदर लेना, ये शौक आपके नए नए लग रहे हैं। और सभी सेलिब्रिटीज के साथ फ्लर्ट भी करती हूँ, आई मीन मेल सेलिब्रिटीज के साथ, लाइक करण पटेल है। लोंडे तो फ्लर्ट करते रहते हैं और इसके लिए बदनाम भी है, पर यह तो लोंडिया फ्लर्ट कर रही है। ऐसी हवस की पुजारण में पहली मर्तबा देख रहा हूँ। तो स्पेशल मेरा डांस भी हुआ, लैप डांस, थाई डांस। थाई डांस सुना है आपने? नहीं सुना तो जरूर देखना, करण पटेल के साथ कैसा मैंने थाई डांस किया हुआ। थाई डांस, ये कौन सा नया डांस इजाद कर लिया माँ की आँख, पहले कभी नाम नहीं सुना इसका। वाह, सलमान खान लेकर आ रहे हैं डांस इंडिया डांस। तो सलमान खान, आपको मेरी जरूरत है, कहो डांस रखी डांस, बिकॉज मुझसे अच्छा डांस कौन। अगर नाम डांस रखी डांस रखते ना, तो टी चैनल पर चलाना तो मुश्किल था, किसी पुण्य के वेबसाइट पर ही चलाना पड़ता। मैं इडली डांस कर सकती हूँ, मैं थाई डांस कर सकती हूँ, मैं पानीपुरी डांस कर सकती हूँ, मैं चाट मसाला डांस कर सकती हूँ, मैं ऐसे ऐसे एप्पल डांस कर सकती हूँ, मैं ऐसे ऐसे। ये कैसे कैसे डांस बता रही है बैंस के लोड़े, मुझे तो किसी ढाबे का मेन्यू लग रहा है। सल्लू, यू नीड राखी, यू नीड मी, मेरे बगैर जैसे मैं फोर्थ एम्पायर बन गई, वैसे तुम्हारे तीन जजों के बीच में मैं भी एक जज बन सकती हूँ। सो ट्राई फॉर मी, अगर मैं आ गई तो एक अलग डांस का फॉर्म लेकर आऊंगी। अब ये तो किसी किताब में नहीं लिखा। आई डोंट थिंक के सलमान नीड्स यू, पर मेरे ख्याल में यू नीड अ दिमाग का डॉक्टर। वाओ, पल पल पल, ये कैसे कैसे आवाजें निकाल रही है, माइक के साथ बलात्कार कर लियो के। गॉड, पलपुरी जो है वो नाग देवता है, उसे तो मैंने बहुत दूध पिलाया है। जी हाँ, वो जैसे उसको जाके दूध पिलाती हूँ और सुलाती हूँ उसके। क्या दूध का कारोबार भी स्टार्ट कर लिया है? लड़कियों के पजामा इतना काम कर कैसे लेती हो? कभी फोर्थ एम्पायर बन जाती हो, कभी जज बनती हो, कभी डांसर बनती हो, और अब दूध का कारोबार भी स्टार्ट कर लिया। कि ले लो नाना बढ़िया दूध, कि ले लो ना ए लौंडे, ले लो ना। इसके बारे में क्या बताऊं, जब मैं पैदा हुई थी तब मैं इतनी हॉट थी,
डॉक्टर मुझे देख के बेहोश हो गया। क्या 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 पैदा होते ही इतनी हार्ट? हम तो साला पैदा ही गंजे और नंगे हुए थे, तभी तो हमारे इल लगे हुए है। मोदी जी एंड उद्धव ठाकरे जी, आई एम रियली बहुत पिस्ट ऑफ हूँ। मैं बहुत ज्यादा पिस्ट ऑफ हूँ। मुझे फटाफट आपके प्राइवेट जेट से या प्राइवेट हेलीकॉप्टर से मुझे मेरे घर से मुंबई से मुझे मेरे हस्बैंड के पास फटाफट पहुंचा दो, क्योंकि ये मुंबई नहीं है। मोदी जी प्राइम मिनिस्टर है या तुम्हारे पर्सनल ड्राइवर? कभी तुमको प्राइवेट जेट में चाइना भेज देते हैं और अब तुम्हें हस्बैंड के पास ड्रॉप कर दे। उनको करने के लिए कोई और काम नहीं है क्या जो तुम्हें पिक एंड ड्रॉप सर्विस देते रहे? मुझे मेरे हस्बैंड के पास फटाफट पहुंचा दो, क्योंकि ये मुंबई में लोग बहुत घटिया लोग है। मुंबई नहीं मतलब तुमसे भी कोई घटिया हो सकता है का? और यार आपको एक न्यूज बताता है, चलू राखी जी ने शादी कर ली है। यार मैंने जब यह खबर सुनी तो गूगल यूट्यूब हर जगह पर उनकी पति का पता लगाना चाहा पर मुझे नहीं मिला। लेकिन फाइनली मुझे उनके एक इंटरव्यू में वो पता चला जो मैं पता करवाना चाहता था। कि आपको मुझ में ऐसा क्या अच्छा लगा? तो कहते हैं कि राखी तुम बहुत क्यूट और बहुत अच्छे, मुझे तुम्हारे करण अर्जुन बहुत पसंद है। व्हाट? हाँ आपके करण अर्जुन कटरीना और विशाल शेखर बहुत पसंद है। मैंने कहा ये तो होगा, अब जब पत्नी ऐसी हो तो हस्बैंड को तो उसके करण अर्जुन ही पसंद आएगी और क्या। अब जब वीडियो पूरी देख ही ली तो वीडियो को कर दे लाइक, नीचे जाके करे कमेंट, दोस्तों के साथ कर दे शेयर और चैनल को करके सब्सक्राइब, घंटी के अलामत को भी दबाए।